इंजीनियरिंग के स्टूडेंट द्वारा जिहादी नारे लगाते हुए इलेक्ट्रिक बस के कंडक्टर पर चापड़ से जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामले में प्रयागराज प्रशासन एक्शन की तैयारी में दिख रही है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक आरोपी छात्र लारेब हाशमी के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में प्रयागराज पुलिस जुट चुकी है। लारेब के घर और पोल्ट्री फार्म पर बुलडोजर चल सकता है। सूत्रों की माने तो लारेब हाशमी का घर और पोल्ट्री फार्म दोनों बिना मंजूरी के ही बनाया गया है। इधर माना जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन के जरिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ये सख्त संदेश देना चाहती है कि वो इस प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। घर और पोल्ट्री फार्म एक ही जमीन पर है। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि सरकारी अमले से मंजूरी लिए बिना भी निर्माण करा दिया गया था। अब इधर कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बस कंडक्टर की गर्दन पर कई जानलेवा हमला करने वाले लारेब हाशमी को अपनी जान का डर भी सताने लगा है। आरोपी लारेब हाशमी खौफ में जी रहा है और उसे इस बात का डर हुआ है कि कहीं उसका भी अंत न कर दिया जाए। लारेब हाशमी के डर का आलम यह है कि उसने पुलिस से हुई पूछताछ में ये तक पूछा कि क्या उसका अंजाम भी अतीक भाई जैसा होगा। आपको बता दें कि अतीक भाई से उसका मतलब था माफिया अतीक अहमद से। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही पुलिस कस्टडी के बीच कुछ बदमाशों ने प्रयागराज में ही अतीक अंसारी और उसके भाई की जान ले ली थी। अब उत्तर प्रदेश परिवहन के कंडक्टर जो प्रयागराज में ड्यूटी पर थे उनकी गर्दन पर धारदार हथियार से कई जानलेवा हमला करने वाले लारेब हाशमी को भी जान का डर सताने लगा है। लारेब को लग रहा है कि अब उसका भी अंत निकट है। पुलिस की पूछताछ में लारेब ने बताया कि उसने बस के कंडक्टर को सबक सिखाने के लिए मारा था क्योंकि वो उसे दोस्त के सामने बेइज्जत कर रहा था और उसने इस्लाम को चुनौती दी थी। बता दें कि हमला करने वाला लारेब हाशमी बीटेक का छात्र है जो धार्मिक तौर से इतना उन्मादी बताया जा रहा है कि किसी की जान लेने की कोशिश करते हुए उसके हाथ भी नहीं कांपे। सवाल है कि अगर कंडक्टर ने बेइज्जती की तो फिर लारेब के पास अचानक से हथियार कहां से आ गया? क्या वो बसों में भी इस तरीके से हथियार लेकर घूमता था? वहीं यूपी पुलिस की टीम ने जब उससे पूछा कि तुम्हारे पास हथियार कहां से आया तो लारेब ने जवाब दिया कि चापड़ में पोल्ट्री फार्म से लाया था जबकि असलहा नैनी से लिया था। प्रयागराज पुलिस ने अपनी पूछताछ के दौरान जब लारेब हाशमी से ये पूछा कि क्या तुमने उस वारदात को अंजाम देते वक्त ये नहीं सोचा कि क्या इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारा हस्त्र क्या होगा, तो इसका जवाब देते हुए उसने उल्टा पुलिस से ही ये सवाल किया कि क्या उसका भी हश्र अतीक भाई जैसा होगा। हालांकि फिलहाल खबर है कि आरोपी की रिमांड मिली है जिसके बाद उसे नैनी जेल शिफ्ट किया गया है। इस बीच आईबी जैसी टीमें भी आरोपी से पूछताछ में लगी है। बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो ये खबर मिली है कि बुलडोजर चल सकता है इस पर अभी तक कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से नहीं दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या लारेब के घर पर भी बुलडोजर चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी की अहम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।